नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसी को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम में कई धाकड़ खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री करा दी है, जिससे भारतीय टीम और भी मजबूत हुई तथा इसको देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने मैच से पहले ही अपनी हार लगभग स्वीकार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा और भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही अगर आप केएल राहुल के लिए एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने सभी 9 लीग मुकाबले जीत चुकी है और अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम से महामुकाबला खेलने के लिए तैयार हो चुकी है, जहां पर यह महामुकाबला 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी को लेकर दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी इस महामुकाबले को लेकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस महामुकाबले में टीम इंडिया में कई सारे बड़े बदलाव किए, क्योंकि जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है, वही उम्मीद है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है, जिस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में लगातार बड़ी बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, वही केन विलियमसन का कहना है कि हम भारतीय टीम के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि दोनों टीमों का लीग मुकाबले में आमना सामना हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से हराया था, इसीलिए हेड कोच राहुल द्रविड़ इस महामुकाबले में अपनी जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन फिर भी यह न्यूजीलैंड की टीम है, कभी भी बड़ा उलट फेस कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम को 2019 के वर्ल्ड कप में ही न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में हराकर बाहर किया था, इसलिए इस बार राहुल द्रविड़ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम के बॉलर तथा बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वही प्रदर्शन सेमीफाइनल में जारी रखते हैं तो भारतीय टीम इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल जरूर खेलेगी, क्योंकि जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तथा गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव जैसे धाकड़ बॉलर मौजूद हैं, तो वहीं बल्लेबाजी में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और विराट कोहली लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम ने ऐसा ही प्रदर्शन किया, जहां पर टीम इंडिया ने 400 से अधिक रन बनाए थे। इसीलिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा मैच से पहले ही पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने लगातार बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इस महामुकाबले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो भाई उनकी जगह ईशांत किशन की टीम इंडिया में एंट्री कराई जा सकती है। तो भाई इसी प्लेइंग 11 के लिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने न्यूजीलैंड की टीम को हराने के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस मैच में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हर मैच में शुरुआत दिलाई थी, वही उम्मीद है कि सेमीफाइनल में यह दोनों खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने नीदरलैंड के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, उस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई थी और रोहित शर्मा अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने सभी 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 500 से अधिक रन बना चुके हैं। तो भाई शुभमन गिल का भी इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उन्होंने पिछले मुकाबलों में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि वह सेमीफाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, जहां पर शुभमन गिल ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से शानदार 400 से अधिक रन बना चुके हैं। तो वहीं 3 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास विराट कोहली मौजूद है, क्योंकि विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरह से वो लगातार शतक और अर्धशतक लगा रहे हैं, वही उम्मीद है कि सेमीफाइनल में अगर विराट कोहली का ऐसा ही बल्ला चलता रहा तो भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाएगी, क्योंकि विराट कोहली ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 5 अर्धशतक तथा 2 शतक के साथ वह
600 रन बना चुकी हैं। तो वहीं 4 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं। जिस तरह से उन्होंने लगातार 3 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वही उम्मीद है कि वह सेमीफाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरह से उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 94 गेंदों पर ही 128 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए उस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिलाई थी। तो अभी तक श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप के सभी 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 450 से अधिक रन बना चुके। तो वहीं 5 नंबर के लिए भारतीय टीम में इस बार एक बार फिर से केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ मात्र 62 गेंदों पर ही शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई थी। हालांकि केएल राहुल ने बीच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन सेमीफाइनल से पहले ही उन्होंने अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए। तो वहीं 6 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है और उम्मीद है कि वह इस मैच में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं 7 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इस वर्ल्ड कप में बेहद ही घातक गेंदबाजी की है तथा बॉलिंग में भी वह धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 8 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव मौजूद हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ने भी रविंद्र जडेजा का इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन साथ दिया है और हर मुश्किल विकेट पर विकेट निकाल कर दिए हैं, जहां पर कुलदीप यादव ने वर्ल्ड कप के सभी 9 मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 9 नंबर के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी की है और उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ भी वही गेंदबाजी जारी रखी है, जहां पर मोहम्मद सिराज ने वर्ल्ड कप के सभी 9 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट अपने नाम किए हैं। तो वहीं 10 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा है, वही उम्मीद है कि वह अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में यह प्रदर्शन जारी रखते हैं तो भारतीय टीम फाइनल जरूर खेलेगी, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 9 मैचों में ही मात्र 17 विकेट अपने नाम किए हैं। तो वहीं आखिरी नंबर के लिए भारतीय टीम के पास मोहम्मद शमी मौजूद हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी की है, हालांकि उन्हें नीदरलैंड के खिलाफ कोई भी विकेट नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले मैचों में प्रदर्शन किया था, उम्मीद है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, जहां पर मोहम्मद शमी ने मात्र 5 मुकाबलों में ही 16 विकेट अपने नाम कर चुके। इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम के कप्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से धूल चटाने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं और भारतीय टीम इस महामुकाबले में जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए इरादे से उतरेगी। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल या बाहर किया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।